जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला लिया है और इस फैसले में जो भी फोर्थ क्लास डेली वेजर्स हाईकोर्ट में काम कर रहे थे, जो 10 सालों से वहां पर नियमित अपनी सर्विसेज दे रहे थे, वो अब स्थायी कर दिए जाएंगे, यानी कि वो रेगुलराइज हो जाएंगे। तो ये एक फैसला जो है ये लिया गया है हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अली मोहम्मद मागरे ने। ये नियुक्ति संबंधी जो नियम थे ये उनमें बदलाव नहीं कहें आप, यह कहें कि उनके तहत ये आदेश जारी किया है और इसमें फोर्थ क्लास पर जो भी डेली वेजर्स अपॉइंट हुए हैं और 10 सालों से सेटिस्फैक्ट्री अपनी सर्विसेज दे रहे हैं वो सभी स्थायी हो जाएंगे, वो सभी परमानेंट हो जाएंगे, वो सभी रेगुलराइज हो जाएंगे। ये बहुत अच्छी खबर है जो हाईकोर्ट में एज अ फोर्थ क्लास का काम करते हैं, यानी कि वहाँ पर डेली वेजर्स थे और 10 सालों से वहाँ पर अपनी सेवा दे रहे थे लेकिन अभी तक उन्हें स्थायी नहीं किया गया था, तो अब जो है उनकी सेवाएं स्थायी हो जाएंगी। और इस मुख्य न्यायाधीश अली मोहम्मद मागरे के आदेश के बाद बड़ी राहत जो है वो उन सभी लोगों को वहाँ पर मिलेगी जो कि खुद को स्थायी होने का सपना ही देख रहे थे, क्योंकि जम्मू कश्मीर में अगर एक डेली वेजर अपॉइंट होता है तो बहुत ही ज़्यादा लो चांसेस रहते हैं कि शायद वो कभी स्थायी हो पाए। अगर आप PHE डेली वेजर्स की बात करेंगे तो वो लंबे समय से अपने रेगुलराइजेशन के लिए जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, खुद को स्थायी करने के लिए वो धरने पर हैं, लेकिन अब तक ऐसा होता जो है वो दिख नहीं रहा है। और हाईकोर्ट ने लेकिन ये एक जो बड़ा फैसला लिया है इसने बहुत से सवाल भी खड़े किए हैं लेकिन बहुत सी उम्मीदें भी जो हैं वो पूरी हुई हैं। जो लोग हाईकोर्ट में हैं एज अ फोर्थ क्लास का काम करते हैं, 10 वर्षों से काम कर रहे हैं, उनकी उन पर कोई इंक्वायरी पेंडिंग नहीं है, जो कि कुछ एक शर्तें रखी गई हैं कि पहले 10 वर्ष का मिनिमम उनका कार्यकाल होना चाहिए, और दूसरा यह है कि कोई इंक्वायरी उन पर पेंडिंग नहीं होनी चाहिए, तीसरा यह है कि सेटिस्फैक्ट्री होना चाहिए, चौथा नियम उसमें यह रखा गया है कि कोई भी पोस्ट जो है वो नई क्रिएट नहीं होगी, यानी कि जो पहले से क्रिएटेड पोस्ट है उन पर ही जो है उनकी जो अपॉइंटमेंट है, जो उनकी जो स्थायी होंगे वो उन्हीं पोस्ट पर होंगे, और उसके अलावा जो एक बेसिक क्वालिफिकेशन है वो भी जिस समय वो वहाँ पर अपॉइंट हुए उस समय की जो बेसिक क्वालिफिकेशन है वो भी पूरी होनी चाहिए। अगर ये सभी चीज़ें वहाँ पर पूरी हैं तो कोई भी मुलाजिम जो 10 वर्षों से हाईकोर्ट में है और एज अ डेली वेजर काम कर रहा है तो वो अब वहाँ पर रेगुलराइज हो जाएगा, यानी कि वो स्थायी हो जाएगा। जो स्थायी होने के बेनिफिट हैं, जाहिर सी बात है जो परमानेंट मुलाजिम होते हैं उनके लिए बड़े अलग से बेनिफिट रहते हैं, और जो टेम्प्रेरी हैं या फिर डेली वेजर्स हैं उनके लिए बहुत सी चीज़ें जो हैं वो नहीं होती हैं। तो जब ये स्थायी हो जाएंगे, जो कि जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट स्टाफ नियम 1968 के नियम 4 व 6 के तहत जो अधिकार हैं, जब ये उसके तहत परमानेंट हो जाएंगे तो उन्हें वो सभी लाभ भी मिलेंगे। और इस आदेश की घोषणा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल संजीव कुमार ने की है। तो हाईकोर्ट के जितने भी फोर्थ क्लास के डेली वेजर्स हैं जो कि 10 वर्ष अपनी सेवा का जो कार्यकाल है वो पूरा कर चुके हैं, सेटिस्फैक्ट्री उन्होंने काम किया है, उन पर कोई इंक्वायरी पेंडिंग नहीं है, तो वो सभी अब रेगुलराइज हो जाएंगे, वो सभी अब स्थायी हो जाएंगे, वो सभी परमानेंट हो जाएंगे। लेकिन सवाल ये है कि वो PHE के मुलाजिम, वो बाकी डिपार्टमेंट्स के डेली वेजर्स जो कि लंबे समय से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उनका समय भी पूरा हो चुका है, उन्हें आखिर स्थायी कौन करेगा? क्या उनके इस मामले में कोर्ट कभी कुछ संज्ञान लेगा? क्या कोर्ट उन्हें कुछ राहत देगा? क्योंकि कोर्ट ने अपने जो डेली वेजर्स थे उन्हें यहाँ पर एक बड़ा, मैं ये कहूँगा कि रिलीफ दिया है, बड़ी राहत उन्हें दी है, लेकिन जो आम नागरिक है जो कि PHE में काम करता है, जो कि PDD में काम करता है, जो कि किसी और डिपार्टमेंट में काम करता है, जो हेल्थ डिपार्टमेंट में काम करता है और जिसे 10 वर्ष से अधिक हो चुके हैं लेकिन वो स्थायी नहीं है, तो उसके लिए क्या विकल्प है? यहाँ पर ये एक सोचने वाली बात है। लेकिन फिलहाल अगर हम अच्छी खबर की बात करें तो अच्छी खबर ये है कि हाईकोर्ट के सभी डेली वेजर्स जो कि 10 वर्ष से पुराने हैं और सेटिस्फैक्ट्री उनका सर्विस रिकॉर्ड है, पूरी क्वालिफिकेशन रखते हैं और एडवर्टाइज पोस्ट पर हैं, तो वो सभी अब स्थायी हो जाएंगे। नमस्कार।